हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग कौन से स्टॉक में करना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक आपको लगेगा डीमेट अकाउंट। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मेरा रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कैपिटल। कैपिटल आपको लगेगा। वैसे बिगनर्स के लिए लोग सजेस्ट करते हैं कि पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, लेकिन आई डोंट बिलीव इन पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग से आपका साइकोलॉजी पता नहीं चलेगा, जब भी प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, तो जब भी रियल कैश डालोगे तभी आपको पता चलेगा। तो कम से कम स्टार्ट कीजिए, मतलब 500 या 1000 रुपये से स्टार्ट कीजिए इक्विटी में ट्रेडिंग करना। और इंट्राडे मतलब क्या है? इंट्राडे मतलब कि आप सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, उसके बाद आप कोई भी पोजीशन बनाते हो, तो बिफोर डे एंड जब भी 3-3:15 बजे मार्केट क्लोज होता है तो उसके पहले आप आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हो, उसको बोलते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में यूज रहता है ऑप्शन और फ्यूचर। तो ऑप्शन फ्यूचर के बारे में आज ज़्यादा नहीं जानेंगे, हम लोग बेसिक जानेंगे इक्विटी के बारे में। तो इक्विटी मतलब कौन से स्टॉक में उनको ट्रेडिंग करना चाहिए, तो आंसर है कि ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए जिसमें कि वॉल्यूम हो, जिसमें अगर 400 का स्टॉक है एटलीस्ट 5 to 10 पॉइंट्स का मूवमेंट हो। अगर वो स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, आपका पोजीशन वैसे का वैसा ही रहेगा रहता है। उसमें आपको सेबी मार्जिन देती है, पहले तो 20x 30x मतलब अपने हिसाब से सब ब्रोकर्स देते थे, लेकिन अभी लास्ट 9 मंथ से कुछ सेबी का नया रूल आ गया मार्जिन के ऊपर। तो अभी इंट्राडे में क्या आपको बेनिफिट्स है? इंट्राडे में बेनिफिट्स ये है कि अभी कोई SBI का स्टॉक ले लो, ये SBI का स्टॉक है, ठीक है, ये अभी इसका प्राइस चल रहा है 426, 425, 426 चल रहा है। तो अभी आप इसमें ऑर्डर प्लेस करोगे, अगर आप डिलीवरी लोगे तो आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा, मतलब 426, लेकिन आप इंट्राडे करोगे तो आपको 5x मार्जिन मिलता है। मतलब ये अभी 400 का स्टॉक है, 425 का, तो आपको ये अराउंड 80-90 रुपीज़ में आ जाएगा एक स्टॉक। तो आपके पास 1000 रुपीज़ रहेगा, तो ऑलमोस्ट आप 10 क्वान्टिटी खरीद सकते हो 1000 रुपीज़ में। तो वैसे बहुत लोगों को क्वेरी रहता है कि ऑर्डर बाय कैसे करें, सेल कैसे करें इंट्राडे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अभी हम लोग SBI के स्टॉक पे आ गए, सिंपली एक इंट्राडे ऑर्डर प्लेस करते हैं बाय करने के लिए SBI का। तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे, सिंपली बाय पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप रखेंगे इंट्राडे। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा मार्केट या लिमिट। अगर लिमिट मतलब कि आपको अगर लग रहा है कि अभी 426.85 पे चल रहा है, आपको लेना है 426 पे, तो आप लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उस पर अगर लेना है आपको, तो आप यहाँ पे मार्केट रख के अभी 0 कर दिया मैंने, तो 0 = मार्केट मतलब 0 डाल दिया, सबमिट, कन्फर्म। और यहाँ पे ऑर्डर में देखेंगे कंप्लीट ऑर्डर में आ गया है, पेंडिंग ऑर्डर कुछ भी नहीं है, वो अपना जो ऑर्डर प्लेस किया तो कंप्लीट हो गया है। तो अभी ये अपना पोजीशन दिखा रहा है, यहाँ पे गेन कितना है टोटल, अपना नेट बाइंग एवरेज क्या है, अपना बाइंग एवरेज है 426.90 का। तो अभी हम लोग स्टॉप लॉस कैसे रखना है? स्टॉप लॉस में वैसे मैं फॉलो करता हूँ 1% रूल या फिर 0.5%। मतलब अभी 500 का कोई स्टॉक है तो उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रखोगे 2.5 रुपीज़, या मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखोगे आप 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ से ज़्यादा मैं खुद मतलब स्टॉप लॉस रखता नहीं हूँ। यहाँ पे अभी हम लोग डालेंगे स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस रहेगा और स्टॉप लॉस है। अगर आप दूसरा को ऐप यूज़ करते हो उसके ऊपर आप टैप करोगे तो आपको स्क्वायर ऑफ पूछेगा। स्क्वायर ऑफ में आपको 4 ऑप्शन आएगा, लिमिट, मार्केट, SLM और SLM मार्केट। तो उसमें SLM मार्केट सिलेक्ट कीजिए तो आपको ट्रिगर प्राइस आएगा। तो ट्रिगर प्राइस हम लोग रख देंगे 424.5, इतना हो गया स्टॉप लॉस। तो अभी पेंडिंग ऑर्डर में अपना आ गया स्टॉप लॉस, आ गया SLM लिमिट, आ गया तो SLM लिमिट अपना है 424.5 का है। अभी हम लोग डालेंगे टारगेट। तो टारगेट कैसे डालना है? टारगेट भी सेम है, पोजीशन में जाएंगे, उसके ऊपर फिर से टैप करेंगे। अगर आप अभी स्क्वायर ऑफ में जाएंगे, स्क्वायर ऑफ में जाके यहाँ पे डाल देंगे अपन प्राइस, लिमिट सिलेक्ट करके। अगर दूसरा कोई ऐप यूज़ करें तो उसमें लिमिट आएगा, तो लिमिट सिलेक्ट करके अभी यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अपना टारगेट। तो टारगेट हम लोग डालेंगे 428.5 का, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स अपने 2 आ गए, ठीक है। ये कंप्लीट ऑर्डर जो हम लोग ने पहले ऑर्डर प्लेस किया था, ये अपना SLM वाला है, ये है स्टॉप लॉस वाला, और ये लिमिट वाला है, वो टारगेट वाला है। अभी हम लोग देखते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रायल कैसे करना है। पेंडिंग ऑर्डर्स में आएंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स में ये अपना स्टॉप लॉस है, तो इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको मॉडिफाई करके ट्रिगर प्राइस हम लोग 425.5 पे ले लेंगे। लॉस तो मॉडिफाई हो गया, स्टॉप लॉस मॉडिफाई होकर हो गया 425.5 का। तो ऐसे स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है। तो इंट्राडे में कुछ मेरे बेसिक्स रूल्स है जो मैं फॉलो करता हूँ, कि मैं कभी एवरेज नहीं करता हूँ। 6 आवर्स मार्केट ओपन रहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 6 घंटे आपको ट्रेड करना ही है। अगर आपका प्रॉफिट हो गया, आपका टारगेट जो रखा था वो टारगेट मिल गया, तो आप मार्केट से एग्जिट कर लो फिर। और बहुत सारे लोग मेरे टेलीग्राम पे मेंबर्स हैं, उन लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं, सर और कुछ लेने ऐसा है क्या, सर और कुछ है क्या, सर और बताओ कुछ। अरे भाई, आपका टारगेट मतलब क्या है, दिन में मतलब कितना पैसा बनाना है। अभी मैंने किसी ऐसे लोगों को नहीं देखा है कि जो दिन में 10 ट्रेड करके 10 और 10 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, एक दो ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया, एग्जिट कर दो, नेक्स्ट डे देखो अगले दिन मार्केट तो रहने वाला है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे, अगर आपने 10 ट्रेड किया है, अगर आपका 3 में भी लॉस चला गया है, ठीक है, तो आपका 3 का 3 तो ऐसे 6 ट्रेड तो आपके ऐसे ही चले गए, बचे 3 ट्रेड, तो 1-2 ट्रेड में तो आपका ब्रोकरेज चला जाएगा, बचा कितना, 1 ट्रेड। उससे नए लोग रहते हैं, उन लोग क्या ट्रेडिंग करते रहते, फिर एंड ऑफ डे पता चलता है कि जितना प्रॉफिट उससे ज़्यादा तो ब्रोकरेज हो गया। बिगनर हो तो टारगेट यही रखो कि आपको ना आपका कैपिटल बचा के रखना है, कैपिटल लूज़ मत करो, कैपिटल बचेगा तभी आप आगे ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो मार्केट तो उधर का उधर ही रहने वाला है, मार्केट किधर भी नहीं जाने वाला है। लेकिन आपके पास अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। और पहला ट्रेड किसी का लॉस जाता है तो उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग ना देखते हैं कि मैं कवर कैसे करूँ, फिर कवर के चक्कर में पैनिक ट्रेड ले लेते हैं, फिर और लॉस लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत किया करो। और अगर आप दिन में 1% का भी टारगेट रखते हो, वैसे अगर मैं SBI में ट्रेड करता हूँ तो मेरा 2 रुपये का टारगेट रहता है, मतलब 2 रुपये, मेरा इन्वेस्टमेंट अराउंड 80 रुपीज़ का है, तो 2 रुपये भी मिल गया तो अराउंड 3%, 2.5% जितना मिल जाता है, उसमें अगर 50 पैसा ब्रोकरेज भी गया तो भी 1-1.5 रुपये आराम से मिल जाता है, तो 1% से भी ज़्यादा होता है। अगर आप डेली का 1% भी टारगेट करो, ओके, ये मतलब मेरा खुद का रूल है, अगर आप 1% भी दिन का टारगेट करो तो महीने में 20 दिन पकड़ो ट्रेडिंग के रहते हैं, 200 डे ट्रेडिंग डेज रहते हैं ना यार, सब छुट्टी वट्टी निकाल दिया, सैटरडे संडे निकाल दिया तो ठीक है, तो 1% भी आपने कैलकुलेट किया ना 1000 रुपीज़ का, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 1000 रुपीज़ हो जाएगा, 7000 से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका रिटर्न 7 टाइम्स हो गया ईयर में। तो अब ऐसे मतलब धीरे धीरे कैलकुलेट कंपाउंडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा। और ये मेरे बेसिक्स रूल्स है, कुछ मैं फॉलो करता हूँ। ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, वैसे मैंने बहुत कर लिया है, सब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो ओवर ट्रेडिंग मत करो, एवरेज नहीं करने का कभी, इंट्राडे पे और स्टॉप लॉस के बिना मार्केट में काम नहीं होता है। इंट्राडे अगर कर रहे हो, आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो अरे मैं तो मेरा ट्रेड तो सही आता है, मेरे को स्टॉप लॉस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1-2 दिन जाएगा, लेकिन एक दिन जो मार्केट रिवर्स आपके अगेंस्ट में आएगा पूरे हफ्ते का प्रॉफिट लेके आएगा। तो स्टॉप लॉस डाला करो, फिर तो आपके ऊपर है, आपका फ़ायदा होगा तो आपके ऊपर है, नुकसान होगा तो भी आपका है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आपका हार्ड एंड मनी है तो लूज़ नहीं होना चाहिए मार्केट में, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा तभी आपके पैसे बनेंगे। अभी कभी कभी लॉस भी होएगा मार्केट में, उसके लिए भी रेडी रहो। 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में, बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो अभी मार्केट में लॉस आ रहा है, आपका दिन खराब भी हो सकता है, अगर मार्केट में लॉस आ रहा है तो लॉस लेके निकल जाओ। आज ये सुबह मेरा ट्रेड है, तो आज सुबह मैंने भी जब भी पहला ट्रेड दिया था, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है तो उस पर मेरे प्राइम मेंबर्स को भी दिया था, उन लोग ने भी पहले ट्रेड में ऐसे लीट हुआ, कुछ 10-15 पॉइंट का एसएल था, तो मेरा भी उसमें ऐसे लीट हुआ है। 102 पे मेरा एवरेज बाइंग था, 89 पे मैंने एग्जिट किया, और दूसरा ट्रेड मैंने लिया था 98 पे, उस पर मेरे प्रीमियम मेंबर्स को भी बाई करने बोला था, लेकिन उसमें भी बाद में ऐसे लीट हो गया, टारगेट हिट नहीं हुआ। तो दैट मतलब ऐसा रहता है, जब भी मार्केट लॉस लेना आएगी तभी छोटा सा लॉस लेके निकल जाओ मार्केट से। लॉस कवर करने के चक्कर में जाओगे ना तो आप उस दिन बहुत गंदा पिटोगे आप मार्केट से। कल अपन ट्रेड करेंगे, कल नया दिन नई शुरुआत करेंगे, तो पोजीशन है वो ऐसे का वैसा ही, अभी लॉस में चल रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी तक एक भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो जब तक आप में डिसिप्लिन नहीं आएगा ना स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे कौन सा वीडियोस आप देखना चाहते हो।